जैसा आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो में आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर विथ टाइमर का कंट्रोल सर्किट बताने जा रहा हूं। और टाइमर जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो ऑन डिले टाइप का टाइमर है। तो मैं आपको सर्किट ड्रॉ करके बताता हूं। चलिए देखते हैं हम लोग। इसमें हम एक फेज़ लेंगे और एक न्यूट्रल सिंगल फेज सप्लाई लेंगे 220 वोल्ट एसी। फेज़ को हमको पूरे सर्किट में रोटेट करना है, न्यूट्रल को कॉमन करेंगे। इसको किधर ज्वाइंट करना भी मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट इसमें हम एक MCB लेंगे, नेक्स्ट जो आएगा OLR का NC, OLR ओवरलोड रिले का NC, नेक्स्ट हमारा आएगा स्टॉप पुश बटन। इसके बाद सीरीज में ही हमारा आएगा स्टार्ट पुश बटन। ये वाला जो है स्टार्ट पुश बटन है। और इसके पैरेलल में, स्टार्ट के पैरेलल में हम मेन का NO लेते हैं, NO मेन कॉन्टेक्टर का, जो कि लैचिंग का काम करेगा। आगे वो देखते हैं कैसे ये हमारा काम करेगा। फर्स्ट मैंने टाइमर लिया है जो कि हमारा ऑन डिले टाइमर है। नेक्स्ट हमारा स्टार कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर। स्टार, डेल्टा, मेन। अभी हमको न्यूट्रल कॉमन करना है तो हमको सभी को न्यूट्रल एक कॉमन कर देंगे नीचे से। और फेस पूरे सर्किट में हम इसको रोटेट करेंगे। तो देखेंगे टाइमर का फर्स्ट हमारा है NC आएगा, टाइमर का NC। इसके बाद हमारा आएगा डेल्टा, डेल्टा कॉन्टेक्टर का NC स्टार्ट रहेगा, सॉरी NC रहेगा। और नेक्स्ट जो डेल्टा पिकअप करने के लिए जो हमारा सर्किट रेडी होगा, इस पे आएगा टाइमर का NO। और नेक्स्ट इसके सीरीज में आएगा स्टार कॉन्टेक्टर। ये जो स्टार कॉन्टेक्टर है इसका NC आएगा। हम देखते हैं इसमें जो इंटरलॉक होता है, स्टार कॉन्टेक्टर का NC डेल्टा कॉन्टेक्टर पर और डेल्टा कॉन्टेक्टर का NC स्टार कॉन्टेक्टर पे, जो कि इंटरलॉक होता है। एक टाइम पे एक ही कॉन्टेक्टर पिकअप होगा। ये हमारा सेफ्टी पर्पस के लिए इंटरलॉक दिया जाता है। आगे चलते हैं, मेन कॉन्टेक्टर को पिकअप कराना है। इसमें हमारा दो NO है, एक स्टार कॉन्टेक्टर का NO आएगा और एक मेन का NO आएगा, मेन कॉन्टेक्टर का NO। ये हो गया। अब हम इसमें देखते हैं इसको ऑन और ऑफ कैसे दिखाएंगे, हमारा ऑन इंडिकेशन और ऑफ इंडिकेशन कैसे शो करेगा। हम MCB के बाद से एक पॉइंट उठा लेंगे जो कि फेज़ ही है। जैसे हम MCB ऑन करेंगे हमारा कंट्रोल सर्किट ऑन हो जाएगा। तीन हम लैम्प, इंडिकेशन लैम्प लेते हैं जो कि न्यूट्रल इसका कॉमन कर देते हैं तीनों का। ये ऑन, ऑफ कमांड, अरे ट्रिप ट्रिप। तो इसको कैसे ऑन और ऑफ कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ऑन किस कंडीशन पे होगा हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर, जब हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाएगा तो ही हमारा सर्किट ऑन होगा। स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप होने पे हमको पूरी सर्किट हमारी ऑन नहीं होती है। इसके लिए हम जो ऑन इंडिकेशन लेते हैं वो डेल्टा स्टार्टर पिकअप होने के बाद ही लेते हैं। और ये पिकअप होने के बाद ऑन होना चाहिए, इसके लिए
डेल्टा कॉन्टैक्टर का एनओ पॉइंट लेंगे। जब ये पिकअप हुआ तो एनओ एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा। एनओ लिया डेल्टा का एनओ, और ऑफ कमांड के लिए हमारा सर्किट ऑफ है, इसमें मेन कॉन्टैक्टर का हम यहाँ पे एनसी लेंगे, मेन का एनसी। जैसे हम मेन कॉन्टैक्टर डी होल्ड होगा ये एनसी हो जाएगा और ये ऑफ इंडिकेशन आ जाएगा। जो ट्रिप इंडिकेशन है जो हमारा ओवरलोड रिले से हम लेंगे, ओवरलोड रिले की एनसी, सॉरी एनसी नहीं एनओ लेंगे इसमें। एनओ पॉइंट ओएलआर का एनओ लेंगे। अभी मैं इस सर्किट को आपको ड्रॉ करके बताया है, अब इसको मैं आपको क्लियर करता हूँ इसको वर्क कैसे करेगा। फर्स्ट हम देखते हैं इसमें, जैसे ही हम एमसीबी ऑन करेंगे तो हमारा फेस लाइन में आ जाएगा और न्यूट्रल कॉमन है। जैसे ही एमसीबी ऑन करेंगे और ओएलआर की एनसी है तो हमारी सर्किट यहाँ से, और स्टॉप पुश बटन है यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी और यहाँ पे भी रुकी रहेगी। अभी यहाँ तक और यहाँ तक हमारी सप्लाई आ गई, हमको भी स्टार्ट करना है। जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही हमारा टाइमर लाइन में आ जाएगा और ये ऑन डिले टाइमर है, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑन डिले। ऑन करने के बाद इसका हमारा जो 10 सेकंड इसमें, सपोज हमने इसमें इसको सेटिंग किया तो 10 सेकंड के बाद ये अपना कॉन्टैक्ट चेंज करेगा। अगर सपोज एनओ है तो इसको एनसी में कन्वर्ट होने के लिए 10 सेकंड लगेंगे। ये ऑन डिले टाइमर का काम होता है। जैसे ही हमारा स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा टाइमर को सप्लाई मिलेगा और टाइमर ऑलरेडी एनसी है, 10 मिनट के बाद कॉन्टैक्ट चेंज करेगा, इसलिए एनसी एनओ में 10 मिनट के बाद कन्वर्ट होगा। अभी के लिए फ़िलहाल ये एनसी बना रहेगा और ऑलरेडी डेल्टा कॉन्टैक्टर पिकअप नहीं है, इसके लिए इसका एनसी जो कॉन्टैक्ट है ये एनसी बना रहेगा और हमारा स्टार कॉन्टैक्टर पिकअप हो जाएगा। जैसे ही स्टार कॉन्टैक्टर पिकअप होगा इसके कॉन्टैक्ट एनओ एनसी में चेंज हो जाएगा और एनसी एनओ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसके एनओ कहाँ है। इसका एनओ हमने यूज किया है मेन पर। जैसे ही ये पिकअप होगा ये एनओ एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा और मेन कॉन्टैक्टर को होल्ड करा देगा। जैसे ही ये होल्ड होगा तो इसका भी कॉन्टैक्ट चेंज होगा और ये मेन कॉन्टैक्टर का हमारा एक एनओ यहाँ यूज किया, ये सर्किट को क्लोज करेगा। और हमने एक इसका लैचिंग भी यहाँ दे रखा है स्टार्ट के पैरेलल में, और ये इसको भी ये एनओ को एनसी कर देगा। जैसे ही हम प्रेस किए तो ये मिली सेकेंड में वर्क होता है। जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये स्टार कॉन्टैक्टर पिकअप होगा और मेन भी होगा, और जैसे ही हम स्टार्ट पर पुश करके रिलीज करेंगे उतने में ये हमारा ये होल्डिंग हो जाएगा और ये होल्डिंग कॉन्टैक्ट पूरे सर्किट को चालू कर देगा। अभी हम स्टार और मेन कॉन्टैक्टर पिकअप है। अभी डेल्टा, जैसे कि मैंने बताया टाइमर जो है टाइम डिले है, जैसे ही ये 10 सेकंड कंप्लीट करेगा ये अपने कॉन्टैक्ट को चेंज करेगा। ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है ये एनओ में कन्वर्ट हो जाएगा और डेल्टा पे हमने टाइमर का एनओ लिया तो ये एनसी कन्वर्ट हो जाएगा। एनसी कन्वर्ट होते ही हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर पिकअप हो जाएगा और स्टार जो है वो डी होल्ड हो जाएगा और हमारा मोटर मेन और मेन कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर पे रनिंग हो जाएगा। जैसे ही डेल्टा कॉन्टैक्टर पिकअप होगा तो हमारा ये एनसी हो जाएगा और ऑन कमांड ग्लो करने लगेगा और अपना ये अभी सर्किट चालू हो गया। सपोज़ हमको मोटर को ऑफ करना है, जैसे हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे, ये जो हमारा स्टॉप पुश बटन है इसको प्रेस करते ही हमारे पूरी सर्किट का जो सप्लाई है वो ब्रेक हो जाएगा। हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर है इसके बीच कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएंगे, जो एनओ है एनसी हो जाएंगे। हमने देखा यहाँ पर नॉर्मल एनसी लिया हुआ है ऑफ इंडिकेशन के लिए, तो हमारा ये मेन कॉन्टैक्टर डी होल्ड होते ही ये ऑफ इंडिकेशन आ जाएगा।
ये तो ऑन ऑफ का हो गया। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ ट्रिप कैसे। सपोज ओवरलोड रिले, जो कि थर्मल ओवरलोड रिले है, इसमें ओवर करंट, ओवरलोड रिले से मैक्सिमम इसके रेटिंग से ओवर करंट फ्लो होगा, तो ये अपना ये जो इसमें अंदर में इसके मैकेनिज्म है वो हीट ही हो जाता है। हीट होने से ये अपने कॉन्टैक्ट को चेंज करता है। तो जैसे हमने यहाँ पे एनो लिया था, ये एनो एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ जो लिया था एनसी, ये एनो में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ये सर्किट को यहीं पे ब्रेक कर देगा, ट्रिप कर देगा, और ये एम्बर कलर की जो हमारी ट्रिप की लाइट होती है वो ग्लो हो जाएगी। इसलिए देखिए हमने ऑन ऑफ और ट्रिप कैसे वर्क करेगा। तो थैंक यू फ्रेंड, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी दबाइए। ओके फ्रेंड्स, बाय।